हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस बिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस है मेरा लिखा हुआ, हु नेम्ड यू? पंडित जी, मैंने यहाँ लगाया पंडित जी नेम्ड मी। माई फादर नेम्ड मी। आई विल नेम यू। माई मदर नेम्ड मी सुलेमान। क्या होता है इनका मतलब? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल न्यू है, आई होप कि आपको यूट्यूब पे ना मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो करेंगे सब्सक्राइब, इसको आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको मिलती रहे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। लाइक करेंगे और मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। आप भी कमेंट में लिख सकते हैं, दो तीन सेंटेंस आप बनाया करिए कमेंट में जो भी आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। हु नेम्ड यू, इसका मतलब है तुम्हारा नाम किसने रखा, तुम्हारा नाम किसने रखा था। बोलते हैं हु नेम्ड यू। अब नेम्ड की सेकंड फॉर्म इसलिए क्योंकि हु के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, क्योंकि करने वाले का हमें खुद नहीं पता होता है तो इसलिए हम तुरंत सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हु नेम्ड यू, तुम्हारा नाम किसने रखा। आपने कहा पंडित जी नेम्ड मी, मैंने कहा पंडित जी ने नाम रखा मेरा। आगे है माई फादर नेम्ड मी, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा। ऐसे मैंने कहा आई विल नेम यू, आपकी गोदी में बेबी है या आपका कोई डियर वन है तो आप कह सकते हैं या आपका लव वंस, आप उसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। तो इंग्लिश में कहते हैं आई विल नेम यू, आई विल नेम यू, मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। आ गया माई मदर नेम्ड मी सुलेमान, मेरी मम्मी ने मुझे सुलेमान नाम दिया, ये मेरी मम्मी ने मेरा नाम सुलेमान रखा। तो मैं तो कहूँगा माई मदर नेम्ड मी सोनू। अब आप बताइए अपना आपका क्या है। तो आप बोल सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जाके कि माई मदर नेम्ड मी नदीम, माई फादर नेम्ड मी फरदीन, एंड माई सिस्टर नेम्ड मी राहुल, माई फ्रेंड नेम्ड मी मोहल्ले का जो भी होता हो भूरा काला पीला। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।